दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भारत से लगती सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में वृद्धि के आलोक में शीर्ष पाकिस्तान सैन्य कमांडरों ने भारत से लगती देश की सीमा पर स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की और किसी भी दुस्साहस या आक्रमण के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लिया। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में बताया कि रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की अध्यक्षता में 220वीं कोर के कमांडरों के सम्मेलन में भौगोलिक रणनीतिक माहौल तथा पूर्वी सीमा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बयान के अनुसार कमांडरों ने किसी भी दुस्साहस या आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में हवाई हमला किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारत ने तूफान प्रभावित नेपाल को सहायता का संकल्प जताया। भारत ने विनाशकारी आंधी तूफान से प्रभावित नेपाल को राहत सहायता प्रदान करने का मंगलवार को संकल्प जताया। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हमें नेपाल के बारा और परसा जिले में विनाशकारी आंधी तूफान से जान माल के हुए नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा, हमारी उन लोगों के साथ संवेदना है जिन्होंने इसमें अपने प्रियजन खोए हैं, जो घायल हुए हैं या जिनकी संपत्ति को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल को जरूरत के मुताबिक राहत सहायता मुहैया कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि काठमांडू में भारतीय दूतावास और बीरगंज के वाणिज्य दूतावास संबंधित प्राधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान ने बुधवार को नहीं किया वायु सीमा का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा प्रवक्ता ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि आज पाकिस्तान की तरफ से हवाई सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। दरअसल मीडिया में आ रही खबरों में कहा जा रहा था कि एलओसी से लगे राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान के भारतीय वायुसेना सीमा का उल्लंघन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा लांघने की कोशिश की थी, मगर अब इस मामले में रक्षा प्रवक्ता का बयान आ गया है। बताते चले कि सीमा पर संघर्ष विराम के लगातार उल्लंघन को देखते हुए भारतीय वायुसेना को अलर्ट रखा गया है। एयरफोर्स की तरफ से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। भारतीय वायुसेना पुंछ के अलावा सुंदरबनी और राजौर सेक्टर में भी एयर पेट्रोलिंग कर रही है। बताते चले कि पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के सर्जिकल स्ट्राइक कर जैश के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे MiG-21 बायसन उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन ने विफल करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को मार गिराया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव का माहौल है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। मंगलवार को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 7 बंकर ध्वस्त कर दिए थे और 3 सैनिकों को मार गिराया था। इसकी पुष्टि पाकिस्तान ने भी की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भाजपा ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आजमगढ़ में निरहुआ देंगे अखिलेश को टक्कर। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें मुंबई उत्तर पूर्व से वर्तमान सांसद किरीट सोमैया को टिकट नहीं दिया गया है और पार्टी ने इस सीट से मनोज कोटक को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आज महाराष्ट्र के एक और उत्तर प्रदेश से 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भाजपा ने आज जारी की अपनी सूची में रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी ने आजमगढ़ से प्रसिद्ध भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक को उतारा है। पार्टी ने फिरोजपुर सीट से चंद्र सेन जांदू को टिकट दिया है। गौरतलब है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना किरीट सुमैया के विरोध में थी। ऐसे में समझा जाता है कि इसी के चलते भाजपा ने इस सीट से कोटक को टिकट दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि एयर स्ट्राइक का दर्द पाकिस्तान की जगह ममता दीदी को हुआ।
जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी चुनावी रैलियों की लिस्ट में 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से हुई है। इसके बाद मोदी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और कोलकाता में हुंकार भरेंगे। अपनी रैलियों के जरिए पीएम मोदी की पूरी कोशिश बंगाल के राजनीतिक समीकरण को बदलने की होगी। उनके दौरे की आखिरी रैली महाराष्ट्र के गोंदिया में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मोदी बोले कि बालाकोट में बदला लेने पर जब हमारे जवान वापस आए तो रोना किसी को था और रो कोई और रहा था। दर्द इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होना चाहिए था, लेकिन दर्द यहां कोलकाता में बैठी दीदी को हो रहा था। इन्होंने कहा कि मोदी ने ये क्यों किया, मोदी सबूत दें। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के विकास पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि निगरानी करने वाले टीम की सभी पोलिंग बूथों पर होगी तैनाती। जी हाँ, त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ श्रीराम तरणी कांति ने बुधवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस बात की पहल कर रहा है कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेब कास्टिंग हो। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, वीडियो देखने और निगरानी करने वाले दलों को राज्य में तैनात किया जाएगा, जो वोट डालने वाले दिन मतदान केंद्रों पर सभी चुनावी गतिविधियों को देखरेख करेंगे। पूरी सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल टीमों को लगाया जाएगा। हमारा मकसद मतदान वाले दिन 100% वेबकास्टिंग का है। सीईओ ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी अपने कार्यालय से संपूर्ण निगरानी करेंगे और पीठासीन अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां इंटरनेट कवरेज पर्याप्त नहीं है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और रिकॉर्डेड क्लिप को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। त्रिपुरा देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 100% वेबकास्टिंग लागू होगा। यहां की 2 लोकसभा सीटों पर पश्चिमी त्रिपुरा एवं पूर्वी त्रिपुरा में क्रमशः 11 एवं 18 अप्रैल को मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि पबजी गेम खेलने से मना किया तो बच्चे ने लगाया मौत को गले। जी हाँ, इन दिनों मोबाइल पर गेम खेलने की लत के चलते तकरीबन हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता सताए रहती है। अपने बच्चे को पबजी गेम खेलने से मना किया तो नतीजा ये हुआ कि उसका बच्चा ही उससे छिन गया। हैदराबाद में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने पबजी खेलने पर डांटे जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इसमें 16 वर्षीय विद्यार्थी को ऑनलाइन गेम प्लेयर्स ऑनलाइन बैटल ग्राउंड्स पबजी की लत लगी हुई थी। अब अपने माता पिता के फोन पर यह गेम खेलता था। मालका नगरी थाने के निरीक्षक के संजीव रेड्डी ने बताया कि विद्यार्थी की 10वीं की इम्तिहान चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी मां ने सोमवार को यह गेम खेलने की वजह से उसे डांटा था। इसके बाद विद्यार्थी ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया व एक तौलिए के सहारे छत के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अभिभावकों ने दरवाजा तोड़ दिया व उसे फंदे से लटका पाया। विद्यार्थी को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विद्यार्थी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ, विपक्षियों का ट्विटर पर वार जारी है। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर बुधवार 3 अप्रैल को निशाना साधा। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में एक फोटो शेयर करते हुए भाजपा गवर्नमेंट पर हमला किया है। बुधवार को ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने विकास पूछ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में सत्ताधारी ऐसा एक भी सड़क क्यों नहीं बना पाए जिस पर चलकर उनका सीना कुछ वह चौड़ा हो जाता। उन्होंने बोला कि शायद वे नहीं चाहते कि कोई ऐसी सड़क बने जिससे कोई वह जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष ने 31 मार्च पर ट्वीट कर बोला था कि विकास पूछ रहा है, जहां सत्ताधारी पिछले 5 वर्षों से जनता को अप्रैल फूल बना रहे हैं, वहां एक दिन का क्या महत्व है। लेकिन इस बार जनता फूल बनाने वालों के फूल का रंग व होश उड़ाने के लिए फूल तैयार बैठी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ट्विटर पर अपना अक्सर अपनी गवर्नमेंट की उपलब्धियों का जिक्र करते रहते हैं।
तो दोस्तों इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।